पीलीभीत की तहसील कलीनगर क्षेत्र के नगरिया खुर्द के समीप बहने वाली शारदा नदी के कटान को रोकने व पुराने बहाव की तरफ ले जाने हेतु शारदा नदी पर तटबंध के निर्माण हेतु भाजपा विधायक बाबूराम पासवान सिंचाई विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विधिवत हवन पूजन करने के साथ कार्य का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि पीलीभीत जनपद के भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली शारदा नदी में बरसात के समय में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की संभावना बनी रहती है, जिससे शारदा नदी के किनारे बसे नगरिया खुर्द कला सहित अन्य गांव में भी खतरे की आशंका बनी रहती है और बरसात के समय में शारदा नदी में उफान की वजह से मनमाना कटाव होने से नदी का रुख भी बदलता रहता है, जिससे भारी नुकसान होता रहता है। इसी के दृष्टिगत बरसात के समय में शारदा नदी में जलस्तर बढ़ने से मनमाना कटाव न हो, नदी का रुख आबादी क्षेत्र की तरफ न जाए तथा भविष्य में बाढ़ की स्थिति से ग्रामीणों की सुरक्षा हो, इसी को लेकर शासन प्रशासन द्वारा शारदा नदी पर तटबंध का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। वहीं शारदा नदी पर तटबंध बन जाने से शारदा नदी के किनारे बसे कई गांव के लोगों को भविष्य में भारी राहत मिलने वाली है। इस अवसर पर सिंचाई विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, ग्राम प्रधान विवेकानंद राय, ग्राम पंचायत सदस्य चितरंजन सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।